रुमाली रोटी तो आपने देखी भी होगी और खाई भी, लेकिन बुरहानपुर की मांडा काफी कम लोगों ने खाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मांडा की रोटी से क्या वास्ता, तो देखिए आप भी मांडा की पूरी कहानी। शादियों में आपने अलग सी दिखने वाली रुमाली रोटी खूब खाई होगी। कई बार होटलों में भी इस अलग सी दिखने वाली रोटी का स्वाद चखा होगा, लेकिन आपने बुरहानपुर में मिलने वाली मांडे का स्वाद शायद ही चखा हो। अब आपके जहन में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये मांडा है क्या। चलिए हम आपको बताते हैं मांडा की पूरी कहानी। दरअसल मांडा भी दिखने में करीब करीब रुमाली रोटी जैसा ही होती है, लेकिन इसका आकार काफी बड़ा होता है, बल्कि इससे बनाने का भी तरीका भी अलग होता है। क्या क्या सामग्री लगता है उसमें? लगता है बेसन, रवा, तेल, और डबल पेशल अगर बनाना है आपको अच्छे से अच्छा, तो उसमें डलेगा दूध, तेल और रवा, यानी अच्छा प्रकार का, मतलब एक नंबर क्वालिटी। प्रदेश के साथ साथ देश भर में मशहूर मांडा खाने वालों की भीड़ शहर के इकबाल चौक पर शाम को आसानी से देखी जा सकती है। रुमाली रोटी जो है, जिसे मांडा कहते हैं, यहाँ पर सभी लोग बड़े शौक से उसे खाते हैं यहाँ पर, और सस्ती बढ़ती आम जनता भी यहाँ पर यूज करती है उसे। रुमाली रोटी जो है शादियों में भी यूज होती है, जिसे मांडा कहा जाता है, वो किसी फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कोई भी यूज कर सकता है रुमाली रोटी को। जहाँ एक तरफ देश में महंगाई आसमान छू रही है, खाने का हर सामान महंगा होता जा रहा है, वहीं कम पैसों में बुरहानपुर की मांडा लोगों का पेट भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।